क्यों है भैया संसार भाव में परिभ्रमण?
संसार भाव में परिभ्रमण का कारण है नाना प्रकार की अज्ञान मानता है। अज्ञानता का जनक कौन है? अज्ञानता का जनक, अरे ये संसार में ये संसारी जीव को अज्ञानता कहां से आ रही है? कौन दे रहा है इस अज्ञानता को जनक? आप खुद बताओ। इस जीव को, अब इस जीव के अंदर में एक अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इस जीव के अंदर में अज्ञान का जन्म कौन दे रहा है? इसको अज्ञान कहां से सीख रहा है ये अज्ञान? तो आप देखोगे अपने दिन भर की चर्या में, अपने अनादि काल के संस्कार में, आप देखोगे कि अज्ञान जीव के अंदर में कहां से आया, कोई उत्पत्ति स्थान है कि नहीं अज्ञान? तो आप देखोगे भैया कि जब ये जीव अनादि काल से अज्ञान कहां से ले रहा है, तो कहने लगे ये अज्ञान ले रहा है स्वयं। अज्ञान कहां से ले रहा है? कहने लगे अपनी ही मान्यता से ले रहा, किसी और से नहीं ले रहा। अच्छा बताओ, आपको और हमको अज्ञान किसने दिया? अच्छा मनुस्मृति में तो आप ये कह दोगे कि कुगुरुओं से सीखा, मनुस्मृति में तो आप ये कह दोगे भैया कि परिवार से सीखा, माता पिता से सीखा, त्रियंश गति में क्या कहोगे? अच्छा त्रियंश गति में भी कह दोगे भैया अरे निगोद में कहां से सीखा, निगोदिया के पास अज्ञान कहां से आए? तो जब अपन इन बातों का विचार करते हैं कि ये अज्ञान आया कहां से, अज्ञान जीव ने सीखा कहां से, अज्ञान की शुरुआत कहां से हुई, तो ये बात स्पष्ट होती है कि ये अज्ञान कहीं से दिया हुआ नहीं है, बाहर से ग्रहण किया हुआ नहीं है, अर्थात किसी ने अज्ञान सिखाया नहीं है। हाँ अपन मनुष्य भाव में अज्ञान मान्यताओं को सीखते हैं वो बात अलग है, लेकिन अज्ञान जीव की स्वयं की अपनी मान्यता है। कैसी मान्यता है भैया? वर्तमान में चलने वाला जो पर्याय भाव है, वर्तमान में चलने वाला जो पर्यायी प्रणमन है, उस पर्यायी प्रणमन में जीव जो एकत्व अपनत्व कर्तत्व ममत्व भोक्तत्व, अब नाना प्रकार के शब्द हैं उसके लिए, पर की शरण रूप जो भाव करता है उसी को नाम अज्ञान है। अज्ञान मतलब बहुत सामान्य सी बात है, जैसे कि अपन उपनिषद आदि पढ़ो तो वहां कहते हैं अविद्या, वो कहते मोहे संसार खड़े, क्यों? क्योंकि वो मोहे को क्या मानते हैं? मोहे तो वर्तमान मिलने पे हो जाता है, मोहे तो कहने लगे एक वस्तु है, कहने लगे कैसी वस्तु है? कहने लगे कोई वस्तु अच्छी सुंदर दिखी बाजार में तो उसके प्रति मोह जाग जाता है, वो थोड़ी देर बाद जब वो वस्तु सामने से हटती है तो वो मोहे बिला जाता है। कहने लगे वो मोह, उस मोह संसार का कारण नहीं। कहने क्यों नहीं है भाई संसार का कारण मोह? कहने लगे मोह तो वस्तुओं के प्रति होने वाला आकर्षण है, और वो तो विशेष संयोग मिलने पे प्राप्त उदय होता है, दर्शन मोह चार पे मोह पे ना घटाए, एक सामान्य भाव पे घटाए, मोह का भाव किसी वस्तु के आकर्षण का भाव। तो कहने लगे मोह तो निमित्त मिलने से उत्पन्न होता है, तो वो निमित्त जो मिले हैं वो मोहे का कारण नहीं है, अरे और यदि मोहे के लिए निमित्त कारण है तो वो निमित्त हटते ही मोह हट जाना चाहिए। मान लो आप ऐसा कहते हो हमारे हमारा निमित्त, मान लो हमें अपने पुत्र से मोह है या फिर हमें अपनी किसी वस्तु से मोह है, तो एक बार बताओ जीवात्मा वो वस्तु जो जिससे अपने को मोह है वो वस्तु बिला जाने के बाद क्या मोह खत्म हो जाता है? हाँ हो जाता है ना, कहले उस वस्तु से मोह नष्ट हो जाता है, लेकिन मोहिनी कर्म नष्ट नहीं होता। जो मोह का भाव उत्पन्न हुआ था वो आता है और बिला जाता है, व्यक्ति से वस्तु से घटना से पदार्थ से निमित्तों से मोह का भाव उत्पन्न होता है, नाना प्रकार के निमित्तों में नाना प्रकार के मोह की भावना प्रकट होती है और वो भावना बिला जाती है। लेकिन भगवान आत्मा एक बात बता, ये मोह का भाव उत्पन्न होता है और बिला जाता है, लेकिन वो अविद्या, वो अज्ञान, अज्ञान अज्ञान मतलब वो परोन्मुख दृष्टि, वो परपर्याय का आश्रय, वो अविद्या, वो कब नष्ट होती? अज्ञान कब नष्ट होता है? अज्ञान 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 कब नष्ट होता है?
अज्ञान मानता है कब नष्ट होती है, और अनादिकाल से इस जीव को अविद्या ने घेरा हुआ है, अज्ञान ने घेरा है। अविद्या क्यों घेरा है आप? हमने पढ़े लिखे हैं, हमने कॉलेज गए हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम इंजीनियर हैं, तो कहने लगे हमें आप अविद्या कैसे कह सकते हो? अरे अविद्या मतलब ये आत्मज्ञान की बात कर चल रही है। जीव को संसार में परिभ्रमण करने वाला ये अज्ञान है, ये मोह नहीं है। हमने सुना है कि मोहिनी कर्म के कारण ही सारे आश्रम बंद होते हैं। अरे भगवान जी, हमने सुना है कर्मों का राजा मोहिनी कर्म है। हमने आपसे पहले कहा हम मोहिनी कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोह भाव की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जीव के जीवन में वस्तुओं का जो मोह है वो आता है जाता है। जैसे अपन आवृत्ति श्रावक की भूमिका में है, तो आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हमें यदि कोई सुंदर वस्तु दिखती है बाहर में, जड़ वस्तु है जबकि सारी, तो उसे घर लाने का भाव आ जाता है। रस्ते में चलते चलते सुंदर सुंदर आम दिखे तो आम से मोह जाग जाता है। कैसा मोह जाग जाता है? कहना आम से ऐसा मोह जाग जाता है कि वो सीजन आ गया है और इतने बढ़िया आम दिख रहा है, क्या करो क्या करो क्या करो, इन आम को घर ले चलो, अपन भी खाएंगे और घर वाले भी खाएंगे और इन आम का लुत्फ उठाएंगे भी। क्या हुआ? क्या क्षणिक मोह का भाव जागा, किस किस वस्तु के प्रति जागा? क्या आम के प्रति जागा। क्यों जागा? कारण बताओ। निमित्त तो आम था, लेकिन आम को खाने की आसक्ति, अविद्या, अज्ञान जो अंतर में प्रेरित कर रहा है अपने, अज्ञान प्रेरित करता है जीव को, अविद्या प्रेरित करती है जीव को, अंतर का अज्ञान जो है, जीव के अंदर में जो अज्ञान ठसा ठस भरा हुआ है वो जीव को प्रेरित करता है, आगे प्रेरित करता है पर वस्तु की ओर आकर्षित करके। तारण स्वामी की बात कहे तो तारण स्वामी तो उबन उबन कह के सब खत्म करते हैं। वो तो कह रहा है भैया देखो देखो अपने अंदर में अपना वीतराग स्वभाव उत्पन्न हो गया। यदि हम गाथा का वंचन करें तो तारण स्वामी तो कह रहे हैं उवन उवन साहबम, देखो प्रकट हो गया है, देखो प्रकट हो गया है, देखो प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया है? कि देखो अपना अतीन्द्रिय आनंद में वीतराग तत्व गायक तत्व भगवान आत्मा स्वानुभव में प्रकट हो गया। तारण स्वामी को मोह मोह से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें अज्ञान से अविद्या से कोई लेना देना नहीं है। आचार्य श्रीमद तारण स्वामी को ना अज्ञान से कोई मतलब है, ना अविद्या से कोई मतलब है, ना मोह से कोई मतलब है। उन्होंने तो अपने अतीन्द्रिय आत्म तत्व को अनुभव से प्रकट कर लिया। उनकी बात तो निराली है, तारण स्वामी की बात तो निराली। लेकिन भैया अपने को इस मोह राग के प्रपंच से छूटना है, अपने को अज्ञान वासनाओं से मुक्त होना है, क्योंकि संसार का कारण यही है ना। संसार का कारण क्या है? संसार का कारण यही है ना कि निरंतर हमारे अंतर में जो पर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, पर पर्याय, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, धन के प्रति, क्या बोलते हैं, पुत्र परिवार के प्रति जो निरंतर हमें आसक्ति प्रकट होती है वो हमारे संसार का कारण है। और ये आसक्ति प्रकट क्यों होती है? कारण बताओ। कारण है अज्ञान, मिथ्या मानता, विपरीतता। जीव की मानता का दोष है भैया, विपरीत मानता रूप अविद्या इस अज्ञान के जनक जनक कारण है। और ये अविद्या कहाँ है? ये अविद्या कहीं बाहर नहीं है। ये अविद्या कहाँ है? ये अविद्या कहीं बाहर आपको कोई दूसरा नहीं दे रहा, ये अज्ञान जीव के अंतर का अंधकार है, जिसे हम दर्शन मोहान के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये जीव के अंतर का अंधापना है। जीव का अंधापना मतलब भाई हमारी तो दो आंखें बढ़िया है, स्वस्थ है, हमें सब अच्छा दिखाई देता है, हमारी दो आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है। भगवान आत्मा सुनो तो, अपने ही बाहर के दो ने स्वस्थ और मस्त है, लेकिन अपना दर्शन ज्ञान आत्मा कैसा है? आत्मा उपयोगो लक्षणम जीवा। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा उपयोगवान। तो उपयोग उपयोग में ये जीव आत्मा, इसके नेत्र कौन से है? इन्हें दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, या दर्शन ज्ञान उपयोग से अंधा। दर्शन ज्ञान उपयोग से अंधा है मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा क्यों भैया, क्यों समझ में नहीं आया? देखो चक्षु दर्शन से हम देख रहे हैं,
अचक्षु दर्शन से, चार इंद्रियों से और मन के माध्यम से हम ये छह भाव ग्रहण कर रहे हैं। हम तो चक्षु दर्शन से भी संयुक्त है और क्या ज्ञान ज्ञान उपयोग दिया, चक्षु दर्शन के बाद ज्ञान उपयुक्त तो होता ही है। और ज्ञान उपयोग से क्या कर रहे हैं, ज्ञान उपयोग से राग देश कसाय मोह कर्तक भोक्तक आदि इन परिणामों को अनुभव कर रहा है अभी। तो बताओ हम अंधे कहाँ हैं? देखो बताओ फिर अंधे कहाँ हैं? अरे जी बात मत सुनो, तो ये दर्शन ज्ञान उपयोग में इन पर पदार्थों को देखना यही अंधापना है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के नेत्र ना खुलना, अब वस्तु के यथार्थ स्वभाव को उस रूप ना देख के वस्तु के स्वभाव को विपरीत देखना, वास्तव में यही दर्शन महान है। हम अंधे हैं, हम बाहर की आंखों से अंधे नहीं हैं, हम क्षयोपशम की आंखों से भी अंधे नहीं हैं, हम अंधे हैं अपने अज्ञान नेत्रों से अंधे हैं। क्यों अंधे हैं, कारण क्या है, हमारे अंतर का अंधकार क्यों उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर अंदर अंधकार का जन्म क्यों है, हमारे अंदर अंधकार के जन्म का कारण हमारी मिथ्या की नाना प्रकार की जो प्रवृत्ति है, मिथ्या को लेके हमारे जीवन में जो लापरवाही है। बार बार कहते हैं कि जीवात्मा बाहर कुछ नहीं है, तत्समय की योग्यता से प्रणवन चल रहा है, ये संसार अपनी योग्यता से प्रणवित हो रहा है, जीवात्मा बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ मानना ही अज्ञान है, बाहर सुख खोजना ही अज्ञान है, बाहर में पर का विकल्प करना ही अज्ञान है। बार बार कहते हैं लेकिन फिर भी तो देखो, फिर भी तो देखो, बार बार पर पर्यायों में परिणाम करने के लिए, बार बार कसाय भाव में रमने के लिए हमारा उपयोग चला जाता है। कितने बार कह रहा है भैया, क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा पर पर्याय की ओर देखना ही अज्ञान है। दिन रात चिल्ला रहा भैया कि मैं आत्मा हूँ शरीर भिन्न है, मैं आत्मा हूँ शरीर भिन्न है, मैं आत्मा हूँ शरीर भिन्न है, दिन रात एक रटना लगाए हुए हो कि मैं आत्मा हूँ और शरीर भिन्न है, लेकिन जीवात्मा देखो तो, उपयोग कहाँ लगा हुआ है, ना इस शरीर की सेवा में लगा हुआ है, शरीर के सुखों का अर्जन करने में उपयोग लगा हुआ है। और फिर क्या कहते हैं भैया कि आम ब्रह्मास्मि सिद्ध हो, काय में आचरण करना है, मतलब ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने वाला ज्ञायक तत्व भगवान आता है, उपयोग कहाँ लगा है, कहना आप ब्रह्म की इंद्रिय विषयों की सेवा में, पांच इंद्रिय विषयों की सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे, खट्टा मीठा कसायला शिरपिरा लाल हरा नीला पीला गुलाबी राग रंग मोह, ये नाना प्रकार की पर्यायों में नाना प्रकार के विकल्प में लगे कि नहीं लगे। देखो अज्ञान कहाँ से आ रहा है, अविद्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है, जीव को आब्रह्म का, आज महाराज जी ने आब्रह्म भाव की चर्चा करी है, ये आब्रह्म भाव प्रकट कहाँ से हो रहा है, विद्या ये पर पर्यायों में अज्ञान मानताओं के कारण ही तो ये सारा का सारा जितना भी ये संसार आपको दिखाई दे रहा है ये सब आब्रह्म की संतान। अच्छा ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति बताओ, लोग वह कहते हैं ब्रह्म ने संसार की उत्पत्ति करी है, ब्रह्म संसार को चलाता है, वो ब्रह्म ही जन्म देता है, वो ब्रह्म ही मृत्यु उत्साहित करता है, वो ब्रह्म ही सुख देता है, वो ब्रह्म ही दुख देता है। लोग बाग बाहर में एक ब्रह्मा मानते हैं या एक परब्रह्म, उनको लोग सिर्फ वो शिव वाले वो जो ओम शांति वाले जो ब्रह्म कुमार आदि है वो शिव बाबा ब्रह्म बाबा कहके कहते हैं, ब्रह्म ही संसार की उत्पत्ति का कारण है, ब्रह्म ही संसार के नाश का कारण है। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश मानने और सनातन धर्म है, लेकिन ब्रह्म मानने वाले वो ब्रह्म कुमारी आदि है ना, वो ब्रह्म से मानते हैं कि ब्रह्म से उत्पत्ति ब्रह्म से खपत्ति। तो ये बताओ क्या ब्रह्म संसार को जन्म दे सकता है, क्या ब्रह्म से ये संसार खड़ा हो सकता है, क्या ब्रह्म से सुख दुख हो सकते हैं, क्या ब्रह्म से जन्म मरण हो सकता है, क्या ब्रह्म से क्या बोलते हैं ये इंद्रिय विषय भोग आदि चल सकते हैं। नहीं सकता तो कितना से ब्रह्म जन्म दे सकता है, ब्रह्म कुछ ही नहीं कर सकता,
सीधी बात यह है भगवान जी, ये सारी दुनिया आप ब्रह्म की संतान, आप ब्रह्म की संतान है, अज्ञान की संतान है। अर्थात ये सारा संसार जो पर्याय परिणाम रूप दिखाई दे रहा है आपको, इंद्रिय विषय भोग वासनाएं काम भोग विषय आसक्ति, आपको इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब आप ब्रह्म की उत्पत्ति है, आप ब्रह्म से प्रकट हुआ है। चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे मंदिर हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी वस्तुएं जिनमें राग द्वेष मोह के परिणाम अपने रंजायमान हो रहे हैं, ये सारी आप ब्रह्म की संतान है। आप ब्रह्म से संसार उत्पत्ति होती, कुटुंब हो, कबीला हो, पुत्र हो, परिवार हो, दादा हो, दादी हो, माता हो, पिता हो, ये सब ब्रह्म आप ब्रह्म की संतान है। और ये सब आप ब्रह्म की ही, ये पूरी ये संसार की पूरी रचना, संसार का सारा व्यवहार, ये सब आप ब्रह्म पे ही चलता है। संसार का पूरा व्यवहार, शादी कर लो, बच्चे कर लो, क्या बोलते, दुकान बनवा लो, मकान बनवा लो, है ना, ये समाज में कर लो, बर्थडे मना लो, पिकनिक मना लो, मनोरंजन कर लो, जनरंजन कर लो, कलरंजन कर लो, ये सारा का सारा व्यवहार, ये सब कुछ संसार में सब आप ब्रह्म से ही चलता है। संसार में ब्रह्म जैसी वस्तु है ही नहीं, संसार में ज्ञान जैसी वस्तु नहीं है, संसार में आत्म तत्व को जानने जैसा कोई भाव नहीं है, जब तो संसार। संसार भाव क्या भैया, जो संसार में संसरण करने का भाव है वो ही तो संसार। मान लो यदि किसी जीव को संसार में संसरण करने का भाव छूट जाए, यदि कोई जीव अपने आप को ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा मान के आप ब्रह्म का त्याग कर दे, तो क्या उससे संसार उत्पत्ति हो सकती है? यदि कोई अपने ब्रह्म में लीन हो जाए, स्वचतुष्टय में स्थिर हो जाए और इस पर्याय परिणवन से भिन्न होके, इसलिए तो आचार्य ने कहा कि छे के छे द्रव बचपन से बाल ब्रह्मचारी है एक अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि इन छे द्रव्यों में स्वा का चतुष्टय विलस रहा है और छे के छे द्रव अपने स्वभाव से बाहर नहीं जा सकते। यदि कोई जीव द्रव ऐसे अपने स्वभाव को मान के अपने ब्रह्म स्वभाव में स्थिर हो जाए, अपने स्वचतुष्टय में लीन हो जाए, अरिहंत दशा को प्रगटा ले, सिद्ध दशा को प्रगटा ले, तो क्या फिर उससे आप ब्रह्म की उत्पत्ति हो सकती? हो ही नहीं सकती ना भैया। ये आप ब्रह्म, ये वासना, ये आशक्ति, ये कसाय, ये राग, ये द्वेष, ये सब अज्ञान का, अज्ञान के जन्म, अज्ञान इनका जन्मदाता। भैया अज्ञान का जन्मदाता कौन? अज्ञान मिथ्या देख की बात, अज्ञान का जन्मदाता कौन है? अभी जिस हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं उस हिसाब से अज्ञान मानता का नाम ही मिथ्या। तो भैया अज्ञान का जन्मदाता कौन है, मिथ्या का जन्मदाता कौन है, ढूंढ के लाओ उसे। मैं स्वयं, मुझे अपनी रुचि नहीं है, मुझे अपने ब्रह्म स्वभाव की रुचि नहीं है, मुझे अपने वितराग तत्व की रुचि नहीं है, मुझे अपने अतींद्रिय आत्म तत्व का बोध नहीं है, मुझे शुद्ध आत्म तत्व की रुचि नहीं है। भैया मैं इन शरीर से, इन इंद्रिय विषय भोगों से, इन बाहर की विषय वासनाओं से, शरीर आसक्ति से हटके मैं अपने स्वरूप को देखना ही नहीं चाहता। और जब तक मेरे मुझे अपने आत्म तत्व की रुचि नहीं है, मुझे अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, जब तक मैं ऐसे शुद्ध स्वभाव को, ऐसी शुद्ध आत्म सत्ता को, जब तक मैं इसे शुद्धता से स्वीकार नहीं करता, जब तक शुद्ध भाव मेरे अंतर में उत्पन्न नहीं होता, तब तक भगवान आत्मा ये अज्ञान, ये अविद्या कहो, ये मिथ्या कहो, इसका जन्म देने वाला ये जीव ही है भैया। अब कोई कहेगा भैया जीव में तो मिथ्या नाम का गुण ही नहीं है। भैया जीव में मिथ्या नाम का गुण नहीं है, ये बात 100% सत्य है, इस बात में कोई भी संशय नहीं। क्यों भैया, क्यों संशय नहीं? अरे क्योंकि मिथ्या गुण है ही नहीं, मिथ्या तो पर्याय है। इस बात को लिखो अपने दिमाग में, क्या कह रहा है भैया जी, मिथ्यात्रूप परिणवन कैसे हो सकता है, मिथ्यात्रूप भाव कैसे कर सकता है? क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जीव में तो मिथ्यात नाम का गुण ही नहीं है। जीव राग रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि जीव में तो राग नाम का गुण ही नहीं है। जीव कर्तत्व रूप कैसे हो सकता है? जीव में कर्तत्व नाम का तो गुण ही नहीं है। जीव भोक्ता रूप कैसे हो सकता है? जीव में भोक्ता नाम का तो गुण ही नहीं है। जीव आप ब्रह्म रूप कैसे हो सकता है?
जिम में आब्रह्म नाम का तो गुण ही नहीं है। अब जब आब्रह्म नाम का गुण ही नहीं है तो फिर वो इस रूप प्रणवन कैसे कर सकता है? क्योंकि तो कोई भी द्रव अपने स्व चतुष्टय से बाहर प्रणवन नहीं कर सकता, अपने गुण अनुरूप ही द्रव का प्रणवन होता है। भैया पहली शंका का समाधान तो ये है, अच्छे से याद रखना, ऐसे कभी भूलना नहीं कि ये सारी जो चर्चा चल रही है ये गुण की नहीं, ये पर्याय की चल रही है, एक समय की पर्याय की चल रही है। ये मिथ्या, ये राग, ये देश, ये आब्रह्म, ये कसाय, ये विषय वासना, ये भोग, ये भौतिकता, ये सब एक समय की पर्याय है, ये गुण नहीं है। अब जीव दूसरा क्वेश्चन करे, अच्छे से ना सुनना, इस क्वेश्चन में लोग अच्छे अच्छे प्रतिमान भ्रमित हैं और जो जिज्ञासा लेके जाते हैं उनकी भी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता। अच्छे से लिखो इस बात को अपने दिमाग में, क्या लिखो कि पहली बात तो जो हम विभाव की बात कर रहे हैं वो सारा का सारा पर्याय है, वो गुण नहीं है, तो वो जीव के स्वभाव से तो वैसे ही अलग है। अब कोई कहेगा भैया पर्याय तो गुणों के परिणवन का नाम ही पर्याय है। अब जब वो गुण ही नहीं है, जब आब्रह्म रूप गुण ही नहीं है, जब मिथ्यात रूप गुण ही नहीं है, जब राग रूप गुण ही नहीं है, पर्याय कहां से आए? कोई देगा इसका जवाब? देगा हमें कोई? दे जूम से भी स्वागत करते हैं हम किसी का, यदि कोई हमें इस बात का जवाब दे दे बहुत संतुष्टिजनक कि जब ये गुण ही नहीं है आत्मा में तो पर्याय कहां से आए? तो पर्याय तो फिर राग देश कसाय कहां से आए? ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें जैसा संतुष्टिजनक जवाब चाहिए वैसा नहीं। बता जल्दी, कोई कहता है? कोई झूम से पूछ रहा है, कोई बोलना चाहे तो बोलो जल्दी फटफट, नहीं बोलना चाहे तो आगे बढ़े। जीव के कर्मोदय जन परिणमन में उलझने के कारण जीव जब विभाव परिणमन करता है तो उस विभाव परिणमन में उलझ के वो इस प्रकार की पर्यायी भाव करता है। चलो ठीक है भैया, आपने बोला तो सही है लेकिन हमारे संतुष्टिजनक जवाब नहीं। देखो अब गुण नहीं है तो पर्याय कहां से आए? देखो देखो देखो, अब गुणों की बात करेंगे अपन, है ना। द्रव तो शुद्ध है जी, ये बात पक्की हो गई, द्रव त्रकाल शुद्ध है, और ये बात भी नक्की हो गई कि द्रव के गुण भी त्रकाल शुद्ध है, गुणों में भी अशुद्धि प्राप्त प्रकट नहीं होती, दो बात सिद्ध हो गई अपनी। अब यहाँ तीसरी बात यहाँ आके अटक गई, जब द्रव गुण है, द्रव के गुण शुद्ध है, तो भगवान जी विकार पर्याय कहां से ले आए आप ये बताओ। भैया आपको सिर्फ दो शब्दों में इस बात को खत्म करना चाहिए था कि द्रव के गुणों में स्वभाव नाम स्वभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी है, और द्रव के गुणों में विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी है, अर्थात द्रव की पर्याय स्वभाव रूप भी हो सकती है और विभाव रूप भी हो सकती है, ना द्रव स्वभाव रूप हो सकता ना गुण विभाव रूप हो सकते, द्रव भी विभाव रूप नहीं हो सकता, द्रव के गुण भी विभाव रूप नहीं हो सकते, लेकिन द्रव की जो पर्याय है उसमें स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है, और वो विभाव रूप परिणमित होने की जो शक्ति है उस विभाव रूप परिणमन की शक्ति का नाम पर्याय है। जीव के शैतान गुण में स्वस्वरूप को जानने की स्वस्वरूप को स्वीकार करने की भी शक्ति है, और जीव के शैतान गुण में भैया स्वस्वभाव को स्वीकार ना करके स्वसत्ता को स्वीकार ना करके पर को अपना मानने की शक्ति भी, विभाव शक्ति के कारण, विभाव शक्ति के कारण जीव की पर्याय विपरीत हो रही है भैया, सिर्फ पर्याय विपरीत हो रही है, और वो पर्याय सिर्फ एक समय की है, जिस अपन नित्य मान रहे हैं ना, जिस मिथ्यात को अपन नित्य मान रहे हैं, जिस राग को अपन नित्य मान रहे हैं, जिस वासना को अपन नित्य मान रहे हैं, जिस क्रोध को अपन नित्य मान रहे हैं, जिस काम भोग को अपन नित्य मान रहे हैं, जिस घर पर परिवार को अपन नित्य मान रहे हैं, एक शब्द में कहा जाए जिस आब्रह्म को अपन नित्य मान रहे हैं, वो आब्रह्म एक समय का परिणाम है। जिस आब्रह्म को हम नित्य मान रहे हैं वो आब्रह्म जीव की विभाव परिणति रूप एक समय का परिणाम है, और वो एक समय का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से आ रहा है और विला रहा है, उस एक समय के परिणमन का कोई अस्तित्व नहीं है जगत में,
क्यों नहीं है, क्यों नहीं है उस एक समय के परिणाम का? क्योंकि वो एक समय के अंदर ही उत्पन्न होगा और एक समय के अंदर ही मिला जाएगा, और वो विभाव होने से, वो जीव का त्रकालिक स्वभाव ना होने से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पर पदार्थ झलक रहे हैं वो काल्पनिक है। तो भगवान जी यही तो इतने समय से स्वाध्याय करके यही तो सिखा रहे हैं जीवात्मा कि इस एक समय की पर्याय में जो जीव रमा है, इस एक समय की पर्याय को जो जीव सत्य मान रहा है, इस एक समय की पर्याय में जो जीव एकत्र करके बैठा है वो ही जीव तो निभो दिया। निभो जाओगे तब की बात अलग है, लेकिन वर्तमान में ये जीव के विभाव पर्याय गुण नहीं, विभाव द्रव नहीं, जीव के विभाव पर्याय में वर्तमान की एक समय की जीव अपनी विभाव पर्याय में जो अपनापन करके बैठा है, ये वर्तमान में चलने वाली अवस्था, ये मेरी अवस्था है, ये अवस्था मेरे गुण है, ये अवस्था मेरा द्रव है, ये स्त्री अवस्था मेरा गुण है, ये स्त्री अवस्था मेरा द्रव है, अच्छा भोजन बनाना मेरा गुण है, अच्छा गीत गाना मेरा गुण है, अच्छे प्रवचन करना मेरा गुण है। ये जो एक समय की पर्याय में अपनापन करके बैठा है ना, इसका नाम निगोह है, इसे पर्याय दृष्टि कहते हैं। इस एक समय की पर्याय में जो अपनत्व भाषित होता है, इस एक समय की पर्याय में जो मेपना भाषित होता है, इस एक पने की एक समय की पर्याय में जो कर्तव्य बुद्धि भाषित होती है, ये सब पर्याय है। देखो देखो देखो, ये चलने वाली एक समय की पर्याय भी पर्याय है, और इस एक समय की पर्याय में जो नाना प्रकार के पर्यायी भाव आ रहे हैं ये भी एक समय की पर्याय है। तो लेकिन देखो जीव कितना मूढ़ है, कितना ज्यादा मूढ़ है, कितना ज्यादा मूढ़ है, इस एक समय की पर्याय में पूर्णता अपनत करके बैठ के आभ्रम से संसार की उत्पत्ति कर रहा है, और अपने अंतर में इसका तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला अपने अंतर में इसका ब्रह्म स्वभाव है कि मैं इंद्रियों से, कषाय से, शरीर से, पाप से, विषय से, भोग से, काम से, वासनाओं से, एक शब्द में कहे कि इस एक समय के विभाव पर्याय की परिणति से भिन्न मैं तो ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। कारण स्वामी की गाथा कहे तो काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, तम नहीं कह रहा है क्योंकि आप अपने लिए संबोधन कर रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, कारण स्वामी ने तो मेरे लिए कहा था ना कि इस काया के प्रविचार में, महाराज जी ने ये शब्द लिए थे आज, इस काया के प्रविचार में, इस राग देश बुद्धि में लग के तुम कहां अपनी गतगंगा कर रहे हो, कहां दुर्गति को मान रहे हो। अरे इस काया के बीचों बीच, इस काया के मध्य में, काया प्रमाणाम तम ब्रह्म रूपम, इस काया के संयोग में रहते हुए भी हो तो तुम ब्रह्म स्वभावी आत्मा, तुम तीन लोक के नाथ, तुम अतीन्द्रिय अगोचर आत्मा हो। खाते का विशेष में तारण स्वामी ने यह विषय लिया है कि ये जीव अनंत संसारी है, अनंत संसार रूप परिणाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संसार में रहता हुआ भी जीव ब्रह्म, यही सूत्र है, संसार में परिपूर्ण करता हुआ भी है तो ब्रह्म स्वभावी, है तो परिपूर्ण चैतन्य शक्ति का धारी, है तो अनंत गुणों का स्वामी, है तो रब स्वभाव से शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही। मानोगे कि नहीं? देखो भैया, अविद्या रहेगी ना, अज्ञान रहेगा ना, इस एक समय की पर्याय में अपनापन रहेगा ना, इस एक समय की राग देश कसाय काम क्रोध की धारा को अपना मानोगे ना, इस एक समय की पर्याय के मोह में अंधे के भाव के ना, एक समय की पर्याय के राग में अपनी आत्मा का बंटा ढार करोगे ना, तो जीवात्मा निगोद में जाकर जन्म लो। अरे काम भोग करके नरक चले जाएंगे, इसके तो कोई डर ही नहीं है। डर तो इस बात का है कि यदि इस एक समय की पर्याय में हमारा एकत्व बना रहा, इस एक समय की पर्याय में यदि हमारा अपनत्व बना रहा तो नरक मरक तो छोड़ो, हम निगोद जाएंगे भगवान आत्मा। और जहां यदि एक बार हमारा जीव चला गया तो नरक में तो भैया कढ़ाई में तलने के दुख है, तिल के देह के खंड खंड करने अकेले के दुख है, तीन लोग का अनाज पानी खाने के बाद, खाने की भूख होने के बाद भी एक कण खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, नारकी एक दूसरे को मारते हैं काटते हैं, यही दुख है। तो स्पेशल व्यवस्था है संगी पंचेंद्रियों के लिए, नरक संगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए स्पेशल व्यवस्था है, लेकिन नरक की आयु तो सीमित है,
एक सागर, दो सागर, ज्यादा या 7 मिनट चलेगा 33 सागर। लेकिन यदि मेरा आत्मा इस पर्याय दृष्टि में रत होके, इस पर्याय दृष्टि इन भोगों में रत होके, यदि मेरा जीव इतर निगोद चला गया तो फिर कितने सागर, कितने पंच परावर्तन, तो कितनी काल निकल जाएगा ये बताओ। नरकों से तो सीमित आयु में बाहर निकल जाएंगे, अपने पाप कर्म को भोग के निकलेंगे। ये पापों से जो आत्मा की गठरी भरा गई है, नरक जाके पापों की गठरी को काट के आ जाएंगे। लेकिन भैया यदि पर्याय दृष्टि सहित, मिथ्या दर्शन सहित मरण हो गया तो फिर क्या होगा वही आत्मा का? इसलिए कहते भगवान आत्मा स्वभाव की रुचि जगा लो रे, ब्रह्म स्वभाव की रुचि जगा लो रे। एक समय की पर्याय में अपना जीवन नष्ट मत करो, एक समय के परिणाम में अपना जीवन नष्ट मत करो, एक समय के परिणाम धारा में अपना जीवन नष्ट मत करो। ये एक एक समय की भाव धारा है, एक एक समय की पर्याय धारा है, एक एक समय की परिणाम की धारा, ये तो सब आ रही है और जा रही है। लेकिन मेरा जीव तत्व भगवान आत्मा तो इन सब अज्ञान धाराओं से मुक्त है। कर पाओगे कि नहीं सीखा? अभी हमने जो चर्चा करी कोई को समझ में आई? द्रव शुद्ध, गुण शुद्ध, अविद्या और मोह, अभी जो हमने चर्चा करी पूरे कितने घंटे, कितनी देर हो गई? 36 मिनट हो गए मुझे चर्चा करते हुए। आप ये बताओ कि जो चर्चा का विषय आज मैंने उठाया है वो पकड़ में किसको आया? और यदि आया ठीक, पर नहीं आया तो अपन फिर सुना क्यों रहे? किसको सुना रहे? अपने आप को सुना रहे तो ठीक है, पर दूसरे को सुना रहा हो तो फिर तुम ही पागल। आया समझ में कि नहीं? आपने सुना ही नहीं, आप कहाँ से आए? वो आधे से भी आधा। नर्क तो इसके नीचे 7 पृथ्वियां हैं और निगोद तो 3 लोक है। निगोद ये जो 3 लोक में सटस भरे, पता अभी जो हमने चर्चा करी है 36 से 37 मिनट, ये समझ में आई? अविद्या समझ में आई? वही तो पूछ रहा है, हमें अति देर से हम चिल्ला रहे हैं, क्या समझे? अज्ञान, बता जल्दी क्या समझ में आया? बोले भैया या कोई भी बोल सकता है, स्वागत है जूम से किसी का। अभी की चर्चा में क्या समझ में आया? कहना भैया कुछ भी सुना लो, कहना हमें तो जो करना है हमें तो वही करना है। तो जब तक देखो भैया, ये आप ब्रह्म की बातें करना बहुत सरल, लेकिन आप ब्रह्म को समझना और आप ब्रह्म से छूट के ब्रह्म स्वभाव की भावना माना, पसीने आ जाएंगे जीवाएं। अभी जो आप ब्रह्म की चर्चा अभी जो अभी हम करके आपके सामने आए हैं, केवल संक्षेप में अगर अपन पूरी चर्चा को कहें भैया जी, तो केवल ये कि जो भी हमारा परिणवन चल रहा है, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, वो सारे विचार मैं जब विभाव परिणमन करता हूँ, अर्थात अपने स्वभाव को भूल कर विभाव में जाता हूँ, तब उत्पन्न होते हैं। और उसमें जब रचता पचता हूँ तो फिर से नए कर्मों का बंध करता हूँ। और जब मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, मैं इन परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, जब मैं ऐसा निर्णय कर लूंगा तो मैं इन विभावों से बच सकता हूं। और ये भी फिर मैं मान लूंगा कि ये जो विभाव परिणमन मेरा चल रहा है, ये पर्यायी परिणमन है, स्थाई नहीं है, और जो स्थाई है वो मेरा ज्ञान दर्शन गुण है। ये निर्णय हम करेंगे तो हम विभाव परिणमन से बच सकते हैं। ये इसका आज के आपके 36 मिनट के उसका निचोड़ मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। अरे भैया आप वो महाराज जी के आवरणम तारण स्वामी ने ऐसा कह के सब सब कह दिया, ये वो ही, ये वो ही। एक समय जी बिल्कुल आवरणम नौ दिट्ठम, ये एक समय की पर्याय को ना देखना ही आवरणम नौ दिट्ठम। जी बराबर बराबर। और यही बात
जो अभी हमने अभी अभी अभी, अभी आपको इतनी विस्तार से समझाई है, शुरू से लेके पूरी कहानी रच के, ये वो ही पॉइंट है, आवरणम नौ डिटम, मतलब जो कर्म आवरण से जो भाव आ रहे हैं उनको मत देखो। तो जीवात्मा तुम इन आवरण भाव को ना देखे, इन भावक भाव को ना देखे, इन 57 प्रकार के जो भावक भाव की चर्चा महाराज जी बहुत अच्छे से ले रहे हैं, इन भावक भाव को ना देखे तुम अपने ब्रह्म स्वभाव को देखो, तो आप ब्रह्म का जो पर्यायी भाव है वो छूटेगा। और तुम अपने ब्रह्म स्वभाव को नहीं देखोगे तो ये भाव तीन काल में छूटने वाले नहीं। मतलब उस एक समय की पर्याय की पकड़ का ना होना। अभी अभी हमने चर्चा करी ना, वो चर्चा या तो महाराज जी होते तो उन्हें समझ में आती, या कोई साधक है तो उस समझ में आती। ये बहुत हाई लेवल की ऊपर की बात करी हमने अभी। तो ये एक समय की पर्याय को जीव ना पकड़े, उसकी पकड़ में एक समय की पर्याय ना आए, और उसकी पकड़ में अपना ज्ञान में अचिंत स्वभाव पकड़ में आए, तब ब्रह्म स्वभाव का आभास होता है, तब मैं ब्रह्म हूं ऐसा बहुमान आता है, जब मैं ब्रह्म सकता हूं जब ऐसा बोध आता है, और जब जीव को अपनी ब्रह्म में वितराग चेतना का बोध आता है, तब ये आप ब्रह्म के भाव से जीव बच सकता है। और नहीं तो चिल्ला लो भगवान जी आम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम, कच्चू नहीं हो रहा, कितने चिल्ला लो। तो एक समय की पर्याय की पकड़ जब तक है, एक समय के भाव परिणाम की जब तक पकड़ है, एक समय की पर्याय धारा को जब तक पकड़ रहे हो, तब तक तीन काल में भी अपने स्वभाव का बहुमान नहीं आए। समय समय बदलता हुआ संसार, हमने कितना स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये सारा संसार आप ब्रह्म की संतान है, रूप आप जाए, कि जितना कुछ भी दिख रहा है अपने देखने योग्य नहीं है, लाल पीला हरा गुलाबी खट्टा मीठा कसायला, ये दुनियादारी के जितने रूप रंग दिख रहा है ना, ये सब आप ब्रह्म के पुत्र पुत्री हैं। और जिन आप ब्रह्म के पुत्र पुत्रियों को अपन देख रहे हैं, जिनमें राग रंग अपन कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म से आप ब्रह्म का सेवन हो रहा। अब यदि थोड़ी सी इस चर्चा को हम खुला खुला कर देना, तो लोग कहें भाई आप कैसे शब्दों का उपयोग करते हो और कैसी कैसी बातें करते हो, सब आध्यात्मिक और आगम के शब्दों से चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी खुला थोड़ी सी अपनी जिब्बा को खोल लेना तो पसीने निकल जाए। ये सब कुछ आप ब्रह्म है सब कुछ, और इसमें रचना, इसमें पचना, इसमें एक में एक होना और इसी में रत रहना, जीवात्मा जब तक ऐसी परिणति अपनी बनी हुई है, पर में पर्याय एक समय की पर्याय में जब तक अपनी मान्यता पड़ी हुई है, तब तक जीवात्मा तुम इस मिथ्यात्व को ना जीत पाओगे, और जब तक मिथ्यात्व में बने रहोगे तब तक भावक भाव से मुक्त होना असंभव। भावक भाव से छूटने के लिए मिथ्यात्व जाना चाहिए, और मिथ्यात्व मतलब एक समय की पर्याय में अपनापन टूटना चाहिए। बहुत इतना गजब का है ये आवरणम नौ डिट्ठम, ये इतनी गजब की चर्चा है, इसको यदि हम 2-3 घंटे बोले ना इसी तरीके से, तो भी नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोल। बुद्धि से छह ऑप्शन से समझना बहुत है, वो आवरणम नौ डिट्ठम मतलब किसी भी पर्याय को कुछ भी ना मानना, अच्छा भी नहीं मानना, आपके अंदर विकार भाव चल रहा है ना, अच्छा नहीं मानना तो छोड़ो, उसे बुरा भी नहीं मानना है उसमें। क्यों? क्योंकि वो तुम कर ही नहीं रहे। अब जब तुम कर ही नहीं रहे तो तुम अच्छा बुरा कैसे मानोगे? ये राग भाव को अच्छा नहीं मानना, ये तो सब समझा देंगे आप, लेकिन राग भाव को बुरा नहीं मानना, अरे भैया पागल हो गए हो क्या? हम तो आपसे कह रहे हैं आपको पुत्र के प्रति राग आ रहा है, पत्नी के प्रति राग आ रहा है, तो राग भाव को अच्छा नहीं मानना, ये बात तो सब ठीक है, सही बात है, राग भाव को अच्छा नहीं मानना, इस राग भाव को बुरा भी नहीं मानना, आप बताओ क्या करो? एक समय के लिए ऐसा सोचो जो इसकी साधना होना वो वैसे ही
अरे दूसरे के तो छोड़ो, हम तो ये कह रहे हैं आपको जो ममता का भाव चल रहा है, आपको जो उसके प्रति राग आ रहा है, ममता का ममता परिणाम आ रहा है, उसे अच्छा तो मानना ही नहीं है, लेकिन हम कह रहे बुरा भी नहीं मानना। आप कहा भैया बुरा नहीं मानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए। यहाँ पे हम इस विषय में क्रम नियमितता का विचार कर सकते हैं क्या, कि जो भी जीव विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो उसकी पूर्वबद्ध कर्म धारा है, और वो उस पे दृष्टि अगर ना दे और स्वभाव पे दृष्टि रखे तो क्या ये पुरुषार्थ के कैटेगरी में आएगा? क्रम नियत पर्याय अपन उसे लगाएंगे सिर्फ कर्म में, क्रम नियत पर्याय जीव के पुरुषार्थ में लगाएंगे। तो क्रम नियत पर्याय का सिद्धांत तो बहुत सारे विद्वानों ने नकार दिया है, और वो वस्तु की व्यवस्था क्रम नियत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसका कारण क्या है? क्योंकि क्रम नियत कह के जीव बिल्कुल स्वच्छंदी होने की दशा में चला जाता है, और फिर कहता है पुरुषार्थ होना होगा तो होगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसलिए ये कहो कि जैसा कर्म का उदय है वैसा ही परिणाम हो रहा है, जैसे उदय भाव आने हैं वैसे ही परिणाम आ रहे हैं, वो क्रम नियत बोल दो आप कि कर्मों का उदय क्रम के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार चल रहा है, उसे नहीं बदल सकते अपन। तो भैया फिर यहाँ सत्य क्या है, तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि इस चलने वाले कर्म के व्यवस्थित परिणाम में भगवान आत्मा इस होने वाली कर्म की व्यवस्थित धारा में ना मुझे उसमें सुखी अपने आप को उस पर्याय को ना अपने लिए हितकारी मानना है, ना उस पर्याय को मेरे को अपने लिए अहितकारी मानना है। तो फिर क्या मानना है? मुझे तो यह मानना है कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, ये पर्याय मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकती, छू ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो ब्रह्म स्वभाव। अभी इतनी हाई लेवल की चर्चा हो गई है, इसके बाद कोई शब्द नहीं है। अभी से इतना ऊपर निकल गया है, इतना हाई क्लास में निकल गया है कि अब समझ में आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। महा मुझे अपने स्वभाव का स्वाभिमान जगाना है, महा मुझे अपने शुद्धात्म तत्व का स्वाभिमान जगाना है, वहां मुझे अपने द्रव स्वभाव का स्वाभिमान जगाना है, वहां मुझे अपने अनंत गुणों का स्वाभिमान जगाना है, वहां मुझे अपनी अचिंत शक्ति को जो इस पर पर्याय से निर्लिप्त है उस वीतराग शक्ति का बोध जगाना है, वहां मुझे अपने अंतर चतुष्टय अपने ज्ञायक तत्व का बोध जगाना है, जहां मुझे इन पर्यायों से भिन्न होना है तो तभी हो सकते हैं जब अपने स्वचतुष्टय आत्म तत्व की महिमा हो। और भगवान आत्मा तुम्हें, मैं भगवान आत्मा अपने स्वचतुष्टय अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा ना हो, इस शरीर आदि में अपनापन पड़ा हो, तो कभी वीतरागता का अभिमान आने वाला नहीं है, क्योंकि वीतरागता शरीर में नहीं, वीतरागता तो आत्मा का स्वभाव है, जहां राग देश दोनों नहीं, जन्म ही नहीं देते। एक समय की गुणों की पर्याय को देख के अपने आप को राग देश मान लेते, एक समय की गुणों की राग देश की पर्याय में अपना पर्यायपन कर लेते हो, लेकिन जीवात्मा अनंत अनंत चतुष्टय में जो मेरा ब्रह्म स्वभाव है, अनंत अनंत चतुष्टय में जो मेरी शुद्ध आत्मा है, इसे अपना मान के कभी इन पर्यायों से, इन पर्यायों ने मुझे छुआ नहीं, इन पर्यायों से मेरा स्पर्श नहीं हुआ, कितने अच्छे आलिंग तत्व हूँ। अब जब मैं आलिंग तत्व हूँ तो राग मेरे लिए अच्छा बुरा कैसे हो गया? जब छूते ही नहीं तो अच्छा बुरा कहां से आया? भैया उल्टे सीधे नहीं हो जाना, मतलब तो महाराज जी की चर्चा सुनते सुनते अपना चिंतन नहीं, तो इतनी हाई लेवल की बात तो हम वैसे करते नहीं, ऐसी चर्चा तो हम बहुत कम ही करते हैं। तो महाराज जी का चिंतन सुनते 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 अविद्या का बोध आया, और अविद्या का बोध आया तो अविद्या कारण एक समय की पर्याय पकड़ में आई, और एक समय की पर्याय पकड़ में आई, ऐसा लगा कि अब हम जी सुन ही रहे हैं, महाराज जी से इतनी गहरी बात सुन ही रहे हैं, तो इन्हें क्लाइमेक्स तक अंत तक पहुंचाए दो, इन्हें आवर्णव नव डिट्ठम पता लगी जाए कि वास्तव में आवर्णव नव डिट्ठम क्या होता है, वास्तव में आवरण को नहीं देखना क्या होता है। तारण स्वामी कितनी हाई लेवल की बात कर रहे हैं, हमने पकड़ में तो आए कि तारण स्वामी बच्चों का खेल नहीं खेल रहा है, कि आप ब्रह्म भाव को नहीं देखो, वो एक एक भाव नहीं पकड़ रहा है, वो पूरे पर्याय को, पूरे आवरणम नव डिट्ठम, वो सिर्फ अपने ब्रह्म स्वभाव को देख रहा है। वो कह रहा है ये कचरा कूड़ा तो पर्याय में उत्पन्न होता है,
एक समय की पर्याय धारा में इस कचरे कूड़े का जन्म होता है, लेकिन मेरा त्रिकालिक स्वभाव तो शुद्ध है, बुद्ध है और अविनाशी है। मेरे त्रिकालिक स्वभाव में ये प्रकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होते। इसका नाम क्या है? आवरणम नवलिंगम। गई कि नहीं गई मती में? महाराज जी की सच्चा सुनी कि नहीं सुनी? पीछे काय मन लगा घर में? तो भगवान आत्मा जब तक इस सत्य को, इस तत्व को, इस वस्तु के स्वभाव को नहीं जानोगे, तब तक आप ब्रह्म के भाव से बचना संभव नहीं है। और आप ब्रह्म के भाव से बचना छोड़ो, मिथ्यात् के भाव से बचना संभव नहीं है। और जब तक मिथ्यात् से नहीं बचोगे, तब तक 57 प्रकार के पूरे भावक भाव आपके जीवन में चलेंगे। क्या करना? पर्याय भाव चलेगा, राग का राग चलेगा, प्रपंच भाव चलेगा, सारे के सारे भाव आपके जीवन में चलेंगे, सारे प्रपंच भाव चलेंगे। क्या करना? देखो भैया, अभी आप हमसे पूछो भैया, आप क्या इन भावक भाव से मुक्त हो गए? सिर्फ जानते हैं बस। तारण स्वामी के ग्रंथों को लिखा है, उपदेश प्रसाद की टीका करी है, ज्योतिष की टीका करी है, ममल भाव की टीका चल रही है, इसलिए पता है कि आवरणम नवलिंगम क्या है। यदि अपनी भाव स्थिति देखी जाए तो अपनी भाव स्थिति में अपन स्वयं इन भाव में फंसे हुए। अपने स्वभाव को बहुमान नहीं आ रहा ना, देवी जी यही तो कह रहा है। ये तो बहुमान नहीं आ रहा कि जब द्रव्य स्वभाव को जान रहे हो, जब वस्तु के स्वभाव को जान रहे हो, कि तुम ब्रह्म स्वभावी केवल ज्ञान के धारी तीन लोक को जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, तो फिर क्यों इन अज्ञान में मर रहे हो? ज्ञाता बन के रहो ना, साक्षी बन के रहो ना। क्यों अपनी मुड़ मुड़ा रहे हो कर्मों में? क्यों लाते जूते खा रहे हो मोह करके, राग करके? अर्थात मोह मैं करता हूँ, राग मैं करता हूँ, विषय वासनाएं मेरे अंदर में उत्पन्न होती है, ऐसी दुर्भिक्ष, ऐसी अज्ञान भावना करके क्यों कर्मों के लाते जूते खा रहे हो? क्यों कर्मों को थपेड़े खा रहे हो? जब जान रहे हो तीनों लोगों को जानने देखने वाला जाननहार भगवान आत्मा में हूँ, जब जान रहे हो जन्म मरण मेरा नहीं होता, जब जान रहे हो स्त्री पुरुष पर्याय में मैं नहीं आता, जब जान रहे हो कि खाने पीने वाला मैं नहीं हूँ, जब जान रहे हो कि बनाने मिटाने वाला मैं नहीं हूँ, जब जान रहे हो कि पुत्र परिवार का लालन पोषण करने वाला मैं नहीं हूँ, सब जब सब कुछ ही जान रहे हो, तो फिर काहे मोह में मर रहे हो? यही तो कह रहा है कि अपने द्रव्य स्वभाव का, शुद्ध आत्मा का बहुमान नहीं प्रकट हो रहा। चिंतामणि चेतन महाशक्ति ब्रह्म स्वभावी आत्मा का, अपने ज्ञायक तत्व का बहुमान प्रकट नहीं हो रहा। अब बताओ, जब तक अपने मैं आत्मा, शुद्ध द्रव आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, जब तक ऐसे शुद्धात्म तत्व का बहुमान प्रकट नहीं हो रहा, तब तक इन अशुद्धियों से कैसे बचूं? अशुद्धि मतलब क्या है? एक समय की पर्याय में मैं बना अशुद्धि, और एक समय की पर्याय से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इसका नाम शुद्धि। काय में हो, शुद्धि में अशुद्धि? शुद्धि में आयो मंदिर, अशुद्धि में आयो? शुद्धि मतलब पता है? अरे हाओ, नहा धो के आने को नाम शुद्धि नहीं है? शुद्ध शुद्ध स्वभाव की भावना के लिए लेके आओ, ब्रह्म स्वभाव में रमने की भावना लेके आओ तो शुद्धि है। शुद्धात्म स्वभाव में डूबने की भावना लेके आओ, घर से निकलो तो चैत्यालय में वो भाव लेके आओ, यार शुद्ध स्वभाव की डुबकी लग गई तो चूल्हे में गया चूल्हा, और चूल्हे में गया चौका, और चूल्हे में गए खाने वाले। आज यदि अंतर आत्मा का ध्यान लग गया, शुद्ध आत्मा की लीनता हो गई, तो भगवान दोबारा कभी बाहर ही ना निकलो, भावना ऐसी लेके आओ। ऐसा नहीं कि गैस पे हांडी चढ़ा के आए हैं भैया, जब तक दर्शन में सर पटक के आएंगे जब तक चुड़ जाएगी, और घर जाके गैस बंद करना है, ऐसे विकल्प लेके मत आओ। अंडी चढ़ा के आए भैया, अकने कुकर 15 मिनट में होता है, तो 5 मिनट मंदिर आएंगे, 5 मिनट ओम 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 करेंगे, और 5 मिनट घर पहुंच जाएंगे, खत्म। क्या कहना? गैस बंद करना। सूरत काय की रही? गैस की। बाबा तेरी नियत बुरी, ऐसे मंदिर आने वालों को कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं। क्या करना है? पहले ज्ञान बंद करके
अरे ऐसी भावना लेके आओ, यदि मंदिर में मनन में मन लग गया तब घर जाने नहीं लो। हम तीर्थ जाने वालों से भी कहते हैं, तीर्थ में एक बार पहाड़ों पर चढ़ते हो, 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हो, भगवान जी तीर्थ में ये भावना लेके जाओ, यदि एक बार आरोहण करने में मन लग गया, एक बार यदि तीर्थ चढ़ते चढ़ते अंतर में जिन श्रेणी आरोहण करने की भावना जाग गई, तो फिर घर लौट के आने नहीं है, फिर घर पर परिवार जहां के तहां रह जाए। हम तो श्रेणी आरोहण करके बाहर में तीर्थ की सीढ़ियों का आरोहण हो, पर्वत आरोहण हो, और अंतर में भाव की विशुद्धि इतनी बढ़ती जाए, भाव विशुद्धि इतनी बढ़ती जाए, प्रभु आपकी भक्ति में मन ऐसा लीन होता जाए कि भाव विशुद्धि इतनी हो कि हमारा छठा सातवां गुण स्थान आ जाए और हम एक बार ऊपर चढ़े तो वापिस नीचे उतरे। ऐसी भावना लेके आओ मंदिर में, ऐसी भावना लेके आओ, यदि आज आत्म मनन में चित्त लग गया तो आज घंटा दो घंटा समय निकल जाए तो कोई चिंता नहीं। जे तो बताओ जल्दी, भाव भाव भाव। ये भाव तो हमारा एक भाई सीधे जहां से गए, हम भी जल्दी अपने छत को प्राप्त हो, ये भाव तो करते हैं जितने से चले जाके, लेकिन वो भागो भागो भागो, इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं जा, अपने घर पे अच्छे, आपको क्या करने से अच्छा घर पे अच्छे। अरे भगवान जी, हम तो रोज चैत्यालय आने की बात कर रहे हैं। चैत्यालय आओ, कभी ऐसी भावना लेके आओ कि आज जीवन ज्योति खोली के पढ़ेंगे, मन गया आज 2-4 घंटे भी पढ़ा करेंगे, आज हर मर की चिंता छोड़। हाँ तो 4-6 घंटे बड़े गुरु महाराज कैसे आत्म साधना करते थे, कैसी अंतर आत्मा में डूबते थे, आज तो 4-6 घंटे के ना बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, तो पढ़ते 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 कहीं आत्मा की डुबकी लग गई तो फिर कौन सा घर, कौन सा परिवार, कौन से बच्चे, और कहाँ संसार, और क्या माया, और क्या शरीर, और क्या कुछ, कि ना सब गया चूल्हे में। वही थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास करते करते तो पड़ेगा भगवान जी, अभ्यास तो करो भगवान आत्मा। देखो चलती फिरी आए 57 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट का समय और बचा है हमारा शेष। अबे सब जूम पे किसी की क्लास नहीं, कहो तो 1 घंटे और चर्चा कर सकते लेकिन भगवान आत्मा रुचि तो लगे, इतनी इतनी आत्म तत्व को, ऐसी शुद्ध आत्म तत्व को ग्रहण करने की रुचि तो लगे, हम चिल्लाते भी रहे तो क्या हुआ, यदि हम यहाँ बैठे बैठे चिल्लाते भी रहे तो उससे क्या होगा भैया, उत्साह है तो स्वयं के अंदर ही आना चाहिए। हाँ कि ना, अरे भैया से बहुत आ रही है। उत्साह है तो हमारे अंदर स्वयं के अंदर आना चाहिए ना, स्वीकार तो हमें स्वयं को होना चाहिए ना, अरे हमारा समर्पण हमारे काम में आएगा। अरे भगवान जी, चैत्यालय में आके तो गुरु महाराज को समर्पित कर दिया करो कि अब घर जाना होगा तत्समय की योग्यता में तो जाएंगे, और नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। अब तो हमारे पूरे भाव तारण स्वामी को समर्पित, जनवाणी को समर्पित है, अब तो हमारा पूरा उपयोग अपने कल्याण के लिए है, ये समय बड़ा अनमोल है, जब चेतन के चैत्यालय में आने का अभूत अवसर मिल रहा है। अरे मूर्तियों में भगवान मान के सर फोड़ने का भाव तो दुनिया को आता है, लेकिन चैत्यालय में आके अपने चैतन्य स्वभाव के दर्शन करने का भाव किसी बिरले जीव को आता है। और जिसको चैत्यालय में अपने चिदानंद स्वभाव के दर्शन की भावना होती है, परमे भगवान के दर्शन करने के भाव तो दुनिया को आते हैं, लेकिन अपने चित्त में, अपने हृदय में, अपने हृदय से परमात्मा के दर्शन करने के भाव जिसको आते हैं, उसको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अपने को आएंगे कि नहीं, नहीं कब आएंगे, इस जन्म में तो मरने के बाद, अभी इसी जन्म, एक दिन आएगा आएगा, इंतजार करते करते मर जाएंगे। भैया देखो चलती ब्रिया है, 59 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट में आपसे सार की बात कह देते हैं। सारा जगत एक समय की पर्याय है, जितना रूपी पदार्थ दिख रहा है, चाहे उसमें आप भगवान मान लो, चाहे शैतान मान लो, चाहे राक्षस मान लो, चाहे इंसान मान लो, ये सब एक समय की पर्याय है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं, सब झूठ है। और इस एक समय के पर्याय परिणवन, इस एक समय के काल्पनिक परिणवन, इस एक समय के झूठ से परे
अपना गायन करते भगवान आत्मा ही सत्य है, सनातन है, शुद्ध है, बुद्ध है और मेरा अपना त्रिकाले स्वभाव है। इस स्वभाव को जब अपने अंदर में स्वीकार करोगे तब मुक्ति का मार्ग बनेगा, और नहीं तो तुम चकराते रहो। अपने शुद्धात्म तत्व को समर्पण किए बिना बाहर में किसी भी पर्याय भाव में चकराते रहो, मुक्ति मिलने वाली है कि नहीं? नहीं मिलेगी। स्वयं भैया ऐसे ही अपन सब अपने आत्म स्वभाव की भावना भाएं, श्रद्धांत तत्व की भावना भाएं, एक समय की पर्याय से मोह तोड़े, यही सदगुरुदेव का अविद्या से मुक्त होने का उपाय है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण करम आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय नमस्ते। चले नाम ले तो पात्र कटे रह जाता। नाम लेते पात्र कटे आवरणम नहु दिट्ठम।